तस्वीरों में दिख रहे किसान दिल्ली की तर्ज पर पक्का मोर्चा लगाने के लिए मंगलवार को चंडीगढ़ की तरफ कूच कर गए, और जब मोहाली पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए तो उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। वहीं दूसरे बैरिकेड पर आखिरकार उन्हें रोक लिया गया। इसके बाद किसानों ने वहीं पक्का धरना लगाने का ऐलान कर दिया। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों ने मोहाली से चंडीगढ़ कूच शुरू कर दिया है। किसान पैदल ही चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस के रोके जाने पर कुछ युवा किसान चंडीगढ़ में घुसने की जिद पर अड़े हुए हैं, हालांकि किसान नेताओं ने उन्हें रोका है। बैरिकेड पर रोके जाने के बाद किसान वहीं धरना लगाकर बैठ गए हैं। सुबह किसानों को मुख्यमंत्री भगवंत मान से मीटिंग के लिए बुलाया गया था, अब वह किसानों से मीटिंग करने के बजाय दिल्ली रवाना हो गए हैं। सरकार का कहना है कि उनका दिल्ली दौरा पहले से तय था, लेकिन किसान अफसरों से बात करने के लिए फिलहाल राजी नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार बात नहीं करती, वह यहीं पर पक्का मोर्चा लगाकर बैठे रहेंगे। किसानों को चंडीगढ़ में घुसने से रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने मोहाली से सटे बॉर्डर सील कर दिए हैं। पुलिस किसी को भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चंडीगढ़ में घुसने नहीं दे रही। एसएसपी कुलदीप चहल भी मौके पर हैं। किसानों के प्रदर्शन से घबराई सरकार ने उन्हें मीटिंग के लिए बुला लिया है। खुद अधिकारी बस में किसानों को चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में ले गए। दलेवाल और लखोवाल ने माइक पर सभी किसानों से अपील की कि वे शांत होकर यहीं पर बैठ जाएं। यहीं पर बैठकर वह सरकार के खिलाफ धरना देंगे, जहां पर पक्का मोर्चा बनाया जा रहा है। वहीं किसान नेताओं के कहने के बावजूद जब कुछ नौजवान चंडीगढ़ की तरफ कूच करने की कोशिश करने लगे, तब किसान नेताओं ने उन्हें सख्ती से समझाया और रोक दिया। इससे पहले डीआईजी गुरप्रीत भुल्लर ने किसान नेताओं से बातचीत कर उन्हें समझाया, लेकिन किसान नहीं माने। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गेहूं के लिए 500 रुपए बोनस की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस पर सीएम ने सहमति जताई, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं की। हम बासमती मूंग पर एमएसपी के लिए अधिसूचना की भी मांग करते हैं। बिजली के लिए प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाने चाहिए। मांगे पूरी होने तक हम चंडीगढ़ जाएंगे और दिल्ली जैसा मोर्चा लगाएंगे। फिलहाल किसान मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब में इकट्ठा हो गए हैं। वह घर से राशन भी लेकर आए हैं, ताकि चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाया जा सके। किसानों से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मीटिंग की, लेकिन किसान सीएम भगवंत मान से मुलाकात पर ही अड़े हुए हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि पुलिस जहां बैरिकेड लगाकर रोकेगी, वहीं पर पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। आपको बताते चलें कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये किसान मोहाली पहुंचे हैं। किसानों ने बताया है कि सरकार उनके संघर्ष को हल्के में ले रही थी। जब रात को गांव से ट्रॉलियां मोहाली की तरफ निकली थीं, तो सरकार हरकत में आई। इस दौरान पहले खेतीबाड़ी विभाग के सीनियर अधिकारियों, मोहाली प्रशासन के अधिकारियों के उन्हें फ़ोन आने लगे थे। रात में ही मुख्यमंत्री से मीटिंग कराने का आश्वासन दिया जाने लगा। उस समय किसानों ने फैसला लिया था कि किसान मोहाली जाएंगे। वहीं किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रमुख सड़कों पर बैरिकेड के अलावा टिप्पर खड़े कर दिए गए हैं। इसके अलावा 2000 से अधिक पुलिसकर्मी करीब 3 किलोमीटर के एरिया में तैनात किए गए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।